ओम शांति। 26 सितंबर हम बाबा के पास आए हैं अपने कैरेक्टर सुधारने, अपने संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने, अपने मैनर्स को बहुत रॉयल बनाने। तो जितना जितना हम पावन बनते जाएंगे याद से, हमारे कैरेक्टर्स आप ही सुधरते जाएंगे, क्योंकि पवित्रता से ही सारे गुड मैनर्स गुड कैरेक्टर्स आते हैं। पवित्रता ही सर्वश्रेष्ठ चरित्र है, और जहाँ क्रिमिनल आई है, जहाँ देहभान की वृत्ति है, वहाँ अनेक बुराइयाँ हैं, कैरेक्टर मनुष्य के बिगड़ते हैं। आज तो हम देख सकते हैं इसी काम वासना के कारण लोगों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। तो हम बाबा के पास आए हैं, हमें चेक करना है हमारे कैरेक्टर सुधरते जाते हैं, हमारे अंदर दैवी मैनर्स आ रहे हैं। बाबा आज एक उस बात का उत्तर दे रहे हैं जो लोग भी बहुत पूछते हैं कि क्यों मैं कहता हूं तुम आंख खोल कर बैठो, क्योंकि तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप माना भगवान, तुम सम्मुख बैठे हो, मैं तुम्हें दृष्टि से निहाल कर रहा हूं और तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ। मैं तुम्हारी बैटरी को चार्ज करता हूं करंट देकर, और तुम्हारी आंखें बंद हों तो तुम चार्ज कैसे होंगे। ये रहस्य हमें संसार को भी सिखाना है। आंख खोल कर जब हम योग भी करते हैं तो बाबा की करंट आंखों के थ्रू आत्मा में जाती है। आंखें नजदीक है ना आत्मा के। अगर आंख बंद करके बैठेंगे तो सुस्ती आ सकती है, नींद आ सकती है, मन भी बहुत भटकेगा। बाबा दूसरी बात कह रहे, तुम्हारी ये पढ़ाई है, पढ़ाई में कोई आंख बंद करके बैठा जाता है क्या? ये पढ़ाई तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है, तो तुम आंख खोल के चुस्त होकर इस पढ़ाई का आनंद लो और बाबा से करंट लेते रहो। भगवान नजर से निहाल करने आता है। बाबा कह रहे हैं मैं आ गया हूँ, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, तुम्हें पावन बना रहा हूँ, तुम्हें घर ले चलूँगा। संसार में तो किसी को ये पता नहीं कि घर कहाँ है, मुक्तिधाम कहाँ है। मुक्ति तो चाहते हैं सब, पर मुक्त होकर जाएंगे कहाँ ये किसी को पता नहीं है। मैं तुम्हें घर का मार्ग दिखाता हूँ, मैं तुम्हारे बुलावे पर आया हूँ। तुम बुलाते थे ना, हे पतित पावन, हे दुख हरता, आओ हमारे दुख हरो, हमें पावन बनाओ। तो जितने जितने तुम भक्ति करते हो, जैसे बाप को नीचे खींचते रहते हो, पुकारते रहते हो, दुखी होते हो तो बुलाते हो, तो बाप को भी आकर्षण होता है। तो मैं तुम्हारे बुलावे पर आता हूँ तुम्हारे सभी दुख दूर करने के लिए। ये बहुत ही सुंदर बात है। हम राजयोग के अभ्यास के द्वारा, जो ये भारत का प्राचीन राजयोग है, जो स्वयं भगवान सिखा रहे हैं, अपने जन्म जन्म के पाप नष्ट करते हैं। कितना बड़ा कार्य है, पाप हमने किए हैं, भोगने से अच्छा है उन्हें योग अग्नि में जलाकर नष्ट कर दें। ये योग भी अग्नि है। कल की मुरली से कंटिन्यू कर रहे हैं बाबा दोनों बातें। तुम्हें बहुत ज़्यादा योग करना है, इसमें अलबेले नहीं रहना है, और तुम्हें अपने कैरेक्टर्स बहुत सुधारने हैं। बाबा आज सन्यासियों की भी महिमा कर रहे हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, बाबा कह रहे तुम भी बहुत अच्छे थे, हम तो देवी देवता थे। उनका है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीन चीज़ें हैं, सन्यासी भी कहते हैं। तो वो तो घर से वैराग करके जंगल में चले जाते हैं, हठयोग उनका है, वो हद के वैरागी हैं। और हमारा है बेहद का वैराग्य। देखिए बेहद का वैराग क्यों है, हम संसार में रहते हैं लेकिन संसार से ही हमारी बुद्धि निकल चुकी है। विकारी दुनिया में रहते हैं लेकिन हम विकारों को छोड़ते जा रहे हैं। तो हमारा ये संन्यास उच्च कोटि का है, घर छोड़ के विकारों को छोड़ना और घर में रहते हुए विकारों को छोड़ना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो बाबा हम सभी को ऐसा राजयोग सिखाते हैं कि हम घर गृहस्थ में रहते इन विकारों को छोड़कर
पवित्र बन जाते हैं, ये हमारा बेहद का वैराग्य हो जाता है। एक और गहरी बात आज की मुरली में है, जो मेरे संस्कार हैं वही संस्कार तुम्हें भी धारण करने हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, सुखों का सागर हूँ। मेरे अंदर ज्ञान देने के संस्कार हैं, प्यार देने के संस्कार हैं, सुख देने के संस्कार हैं, सबको पवित्र बनाने के संस्कार हैं, मैं दाता हूँ। तुम्हें भी अपने संस्कार ऐसे ही बनाने हैं, ज्ञान देने के, प्यार देने के, दुख हरने के, सुख देने के, सबको पावन बनाने के। देखिए इसमें सारी बातें आ जाती हैं। बाबा हंसी में कह रहे हैं, मैंने तुम पर बहुत उपकार किया था, तुमने तो मुझे सर्वव्यापी कह दिया। सबसे ज्यादा ग्लानी तुमने मेरी की, देवताओं की भी की, श्री कृष्ण की भी की, पर मेरी सबसे ज्यादा ग्लानी की। कह दिया मैं सब जगह गंदगी में, पत्थरों में, जड़ चीजों में। भला जड़ चीजों में भगवान होंगे तो वो जड़ क्यों हैं, चेतन क्यों नहीं है। कह दिया मैं सब में हूँ, तुमने मेरी बहुत ग्लानी की, इसलिए तुम्हारा पतन हुआ। अब मैं आकर तुम्हें बताता हूँ बच्चे, मैं तो परम धाम का वासी हूँ। तो तुम करेक्ट कर लेते हो और परम धाम में मेरे से बुद्धि योग लगा देते हो। वरदान भी बहुत सुंदर है, बहुत ही काम का है सभी के। ज्ञान धन से स्थूल धन आता है, जितना जितना ज्ञान धन बढ़ेगा स्थूल धन स्वतः ही आएगा। ज्ञान धन से तो हम पद्मा पदमपति बन जाते हैं, इसलिए हमें धन के पीछे ज्यादा न भागकर ज्ञान अर्जित करने का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारा ज्ञान स्थूल धन को स्वतः ही अट्रैक्ट करेगा। कितनी सुंदर बात है, धन कमाने में तो कितनी उलझने, कितने चक्कर, कितनी टेंशन, धोखा, ये सब है। मैं कल्प कल्प का विजय रतन हूँ, ये न सार है तो माया जीत बन जाएंगे। तो आज सारा दिन हम इसी नशे में रहेंगे, मैं कल्प कल्प का विजय रत्न हूँ, मैंने इस माया को कल्प कल्प जीता है, अब भी मेरी जीत निश्चित है। इससे माया को जीतने की शक्ति जागृत हो जाएगी और हम योग अभ्यास पुनः वैसे ही करेंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और बाबा से जो पवित्रता का सागर है, पवित्र किरणें मुझे मिल रही हैं। हर घंटे में एक बार ये स्वमान भी और ये योग अभ्यास भी करेंगे तो शाम तक विजयी होने की खुशी आ जाएगी। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.